हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जिन जातकों का नाम बी अल्फाबेट से शुरू होता है उनका साल 2019 कैसा जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बी नाम वाले जो जातक होते हैं उनका स्वभाव और पर्सनैलिटी कैसा होता है। जिन लोगों का नाम बी से शुरू होता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेने वाले होते हैं और काफ़ी हिम्मत रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और साथ ही इनका जो मिजाज होता है वो शांत होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे उनके कैरियर के बारे में। 2019 में बी अल्फाबेट से शुरू होने वाले नाम वाले जातकों का शुरुआती दौर मतलब उनके कैरियर में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां आएंगी और अच्छे परिणामों को पाने के लिए आपको थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि 2019 में आप अपने कैरियर को लेकर अधिक गंभीर नजर आएंगे और कैरियर में अपने मुकाम पाने के लिए जीतोड़ मेहनत भी करेंगे। आपका पूरा फोकस अपने कैरियर और काम के प्रति ही रहेगा, परंतु फिर भी आपको सफलता के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। तो आपको धैर्य से काम लेना होगा और मेहनत का फल पाने के लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। साल के दूसरे चरण की शुरुआत में आपके करियर में एक नया मोड आएगा और इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी। सीनियर्स आपके कार्यों और मेहनत की प्रशंसा करेंगे। हो सकता है इस समय आपको करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पदोन्नति भी संभव है। आपके सफल कैरियर में सीनियर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उनकी सलाह और आइडिया आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, परंतु अपने सहकर्मियों से थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि आपकी कामयाबी से उन्हें जलन महसूस हो सकती है और वे आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश भी रख सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को उनके साथ साझा मत कीजिए। अब आते हैं शिक्षा पे, एजुकेशन पे। साल 2019 शिक्षा के लिए बेहतर साबित होगा। पढ़ाई के प्रति आपका पूरा फोकस रहेगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप जमकर मेहनत करेंगे। साल के शुरुआती माह से ही पढ़ाई के प्रति आपका जो जुनून है वो देखने लायक होगा, तो इस समय किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी। जून में परीक्षा का परिणाम आपके चेहरे पे खुशियां लेकर आएगा। वहीं जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी मेहनत सितंबर अक्टूबर में रंग लाएगी। विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए यह साल कई सारी नई सौगात लेकर आएगा। मेडिकल, सिविल सर्विस और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों को इस वर्ष और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। इस साल आपके लिए कॉम्पिटिशन बेहद कड़ा रहेगा, इसलिए इसमें सफलता पाने के लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण पे, फाइनेंशियल जो टाइम है वो कैसा रहेगा। देखिए, इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा, परंतु आपके खर्चों में भी वृद्धि की संभावना है। यदि आपने बेवजह के खर्चों पर लगाम नहीं लगाया तो आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। वैसे इस वर्ष आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत का सृजन होगा। अप्रैल के मध्य से मई के मध्य तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जून में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। निवेश में आपको मुनाफा होगा। घर में पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। यदि संपत्ति को लेकर अदालत में कोई केस चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सफल प्रयास आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में कारगर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को खरीदारी में आपका पैसा खर्च हो सकता है। हालांकि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप डिजिटल माध्यम अपनाएंगे। साल के दूसरे चरण में धन संपत्ति को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। यदि शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं
तो आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय मशवरा अवश्य लें। व्यापार में पार्टनरशिप पर भरोसा जताएं। इस वर्ष आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। लोहा से संबंधित कारोबार में मुनाफा की संभावना अधिक है। वहीं खेती किसानी में आशानुरूप परिणाम मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब हम आते हैं आपके लव लाइफ के ऊपर और विवाह के ऊपर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए साल मिलता जुलता परिणाम देगा। साल की शुरुआत में आपको अपनी लव लाइफ में कोई खास परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। जून और सितंबर का महीना प्रेम जीवन के लिए बेहतरीन होगा, तो इस समय आपके प्यार का रिश्ता जो है और भी स्ट्रांग होगा। जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। इसमें प्रेम साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है, उसके लिए परिस्थिति को काबू करने की कोशिश करें। अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव समर्थन मिलेगा। जीवन साथी आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगा और आपका भी अपने जीवन के साथी के साथ यही जिम्मेदारी बनता है। बच्चों की साल सेहत ठीक रहेगी और उनके प्रदर्शन पढ़ाई में काबिल तारीफ होगा। अब हम आते हैं आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर। तो इस वर्ष बी से नाम शुरू होने वाले जातकों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर छोटे मोटे विवादों को छोड़ दिया जाए तो घर में सुख शांति का वातावरण रहने वाला है। आप अपनी फैमिली लाइफ से संतुष्ट दिखेंगे। घर के परिजनों में प्रेम का भाव बना रहेगा। एक दूसरे के बीच तालमेल और एकजुटता दिखेगी। मार्च में आप नए घर का निर्माण करवा सकते हैं अथवा नया घर खरीद सकते हैं। वहीं अप्रैल और मई माह में आप अपने परिजनों के साथ विदेश भी जा सकते हैं। अगस्त के महीने में किसी प्रकार की खुशखबरी घर की खुशियों को और रोशन कर देगी। इसमें पैतृक संपत्ति में वृद्धि की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको परिजनों के बीच में वक्त बिताने का पर्याप्त समय मिलेगा। भाई बहनों को किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल हो सकती है। यदि फैमिली में किसी तरह की विपत्ति आती है तो घर के सदस्य सब मिलकर उस चुनौती का सामना करेंगे। परिवार की खुशियों में भी परिवार के सभी सदस्य शरीक होंगे। हालांकि साल के अंतिम चरण में पैतृक संपत्ति को लेकर घर में विवाद हो सकता है, परंतु यह विवाद शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और खुशियां घर की चौखट पर फिर दस्तक देंगी। माता पिता के स्वास्थ्य की देखभाल करें और उनका आदर सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी हैं स्वास्थ्य को छोड़कर, और मैं चाहूंगा कि मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर मैं कुछ बातें आपसे करूं, क्योंकि स्वास्थ्य मतलब हेल्थ इज वेल्थ। तो भाई बी अल्फाबेट से शुरू होने वाले जातकों का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा कमजोर रह सकता है 2019 में, इसलिए इस वर्ष सेहत के प्रति आपको अधिक गंभीर रहने की आवश्यकता होगी। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, स्वस्थ भोजन ही ग्रहण करें। इस वर्ष आपको कोई दीर्घकालिक रोग हो सकता है। हालांकि यदि सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे तो इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। समय समय पर चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करवाएं और यदि कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो उसका तत्काल उपचार करें। इस वर्ष आप थकान महसूस करेंगे। चिंता आपको तनाव की ओर धकेल सकती है, इसलिए किसी विषय को लेकर ज्यादा नहीं सोचें। साल के शुरुआती महीनों में हालांकि आपका सेहत जो है वो अच्छा रहेगा, इस दौरान आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, परंतु अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय आपकी सेहत के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो इस दौरान आपको पेचिस, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, अपच जैसी समस्याएं रह सकती हैं। रात्रि को हल्का भोजन करें और मसालेदार तथा तली भुनी खाद्य पदार्थों से परहेज करें। इस समय आंखों में किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा भी रह सकता है, इसलिए अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहें। वहीं नवंबर भी सेहत के लिहाज से कुछ खास नहीं होगा। हालांकि साल के अंतिम माह में आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और इस समय आप तरोताजा महसूस करेंगे। तो बी अल्फाबेट से जिन लोगों का नाम शुरू होता है
उनके बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी दे दी है। तुम चाहेंगे कि और भी जो भी अल्फाबेट्स हैं जिनका नाम शुरू होता है उन तक हमारे वीडियो पहुँचे और उसका ज़रिया आप ही बन सकते हैं, तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।